guys, welcome to my YouTube channel, Studyship with Kritidu. This video is going to be about, in case you want to know कि Delhi University के first year के students के लिए इस बार online classes होने वाली है या फिर offline. क्या आपको 2021 में college जाने का मौका मिलेगा? Let's see this. स्टूडेंट्स, आई कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे प्रोफेसर से बात की है और मुझे अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, बिकॉज ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी कुछ नहीं आया है. इनफैक्ट DU के प्रोफेसर्स को भी ये बात कन्फर्म नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको भी नहीं पता है ये, क्योंकि सारा सिस्टम विल वर्क अपॉन जैसा दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर देने वाली है. रिसेंटली अगर आपने एक न्यूज़ देखी होगी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया है कि वो स्कूल्स वहाँ के नहीं खोलने वाली है, बिकॉज दिल्ली आता है कंटेनमेंट जोन में. भैया चाहे वो पोल्यूशन आ जाए या फिर यहाँ पे कोरोना आ जाए, दोनों में ही ये कंटेनमेंट जोन में दिल्ली आता है. इसकी वजह से जब दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ द प्लेस जहाँ पे ऑल अक्रॉस इंडिया बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे कि कोरोना ज़्यादा फैलेगा. तो अभी इस बात पर नहीं कहा जा सकता है. मोस्ट प्रोबेबली फॉर दिस ईयर यू विल बी हैविंग योर ऑनलाइन क्लासेस. हमारी तो भाई 6 महीने से पिछले जो है ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं. सॉरी 6 महीने तो नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन हमारा सेशन अगस्त से शुरू हो गया था. अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, दिस इज एंड रिसेंटली वी गेट टू नो कि हमारे जो एग्जामिनेशन है semester 3 के, वो भी ऑनलाइन होने वाले हैं. मीन्स वी विल बी हैविंग ऑप्शन, अगर हम ऑफलाइन देना चाहते हैं दे सकते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं. There will be open book examination, यानी कि OBE. तो open book examination होगा, हमारे पास किताबें होंगी, इसमें हम exam दे पाएंगे. ये जितना आसान लग रहा है ना उतना है नहीं है, क्योंकि open book examination में आप worst perform करते हो in comparison to जब आपको book ना ले जानी हो, क्योंकि उस वक्त आपको पता है you don't need to waste your time, straight forward आपको काम करना है. Second semester में तो वैसे भी exams नहीं हुए थे. फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ने सभी ने अपनी इंस्टाग्राम बायो तो अपडेट कर लिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 कॉलेज के नाम लिख लिए, मिरांडा, रामजस, वेंकी, ये मतलब अच्छे कॉलेजेस से हो आप लोग तो फिर अलग ही स्वैग दिखा रहे होंगे. बट अभी इस चीज़ को आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली होंगी. तब तक कन्फर्मेशन नहीं आ जाता है, मैं आपको बात ये क्लियर करके नहीं कह सकती हूँ कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही होने वाली हैं. हालांकि तैयार रहिएगा, क्योंकि जितनी राहत आपको इस ईयर में मिली है ना, आपका 2021 वैसा ही भारी भरकम होने वाला है. क्योंकि आपके कॉलेज में एंट्री के साथ ही जो बच्चे फ्रेशर की उम्मीद देखते हैं उनको डायरेक्ट मिलेंगे एग्जामिनेशन, वो भी semester 1 के. आई विल से वन थिंग, आई मेड लॉट ऑफ वीडियो रिगार्डिंग बी ए ऑनर्स पोलिटिकल साइंस. अगर आप ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं, अदरवाइज कोई और, अपना सिलेबस क्लियर कर लेना पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जब सिलेबस क्लियर ना हो. एक बार सिलेबस क्लियर हो गया देन गो फॉर अ रेफरेंस. जैसे ही आपके कॉलेज शुरू होते हैं आपको टीचर्स खुद रेफर करेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम देन ओनली, जब से आपको पढ़ने का मौका मिलता है. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं यू वोंट रिग्रेट गाइस, अदरवाइज प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है. हम सभी जो थर्ड सेम के हैं हमें पता है कि अब कैसी हालत जो है हम सभी की होने वाली है. और ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि उतनी फैसिलिटीज़ फिर भी ऑनलाइन क्लासेस में हमें नहीं मिलती है जितनी कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में असिस्टेंट मिल जाता है. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. कंक्लूजन इज दिस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, सो डू नॉट से दैट दिस वाज जस्ट अ क्लिक बैक. आई मेक क्लियर दिस थिंग इन टू माई ईच एंड एवरी वीडियो दैट दिस वॉजंट. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृतिदु फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कॉन्टेंट. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.